Warm welcome to all of you. This is today video regarding reported speech. You see, reported speech is also spoken narration. Many teachers, students use narration also. In fact, this is reported speech. I'll say that how this reported speech has two types, direct and indirect. So let us take with the first one, that is direct speech and indirect. It means ki these are the two types. First one is this and second one is this. इसीलिए इन दोनों को ऐसा भी कहा जाता है कि ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है. दोनों चीज़ों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ स्पीच का है, उधर नरेशन है. स्पीच और नरेशन का हिंदी में मतलब भी एक ही होता है, लेकिन बुक्स के अंदर आपको रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा. कर हम नरेशन रहे हैं जो सामान्यतः जीवन में बोला जाता है. अब दो टाइप क्या है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है. मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि वनीता सेड आई एम फीलिंग अनवेल टुडे. इट मीन्स कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं. क्या है, एक्चुअल वर्ड्स है ये. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स है. लेकिन जो ये सेंटेंस करने के बाद हम इधर आ गए, जिसको हमने इनडायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट स्पीच. वनीता सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे. अब यहाँ पर स्पीकर के एक्चुअल वर्ड नहीं है, उसका सब्सटेंस है. ओके, एक्चुअल वर्ड्स को, द वर्ड्स आर नॉट एज द स्पीकर हैज सेड. जैसे स्पीकर ने यहाँ बताया था, आई एम नॉट, यहाँ वो बदल गया, यहाँ शी हो गया. चाहे उसका अर्थ एक ही है, लेकिन वर्ड्स एक्चुअली स्पीकर के नहीं हैं. ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है. ये दो, नाउ वील सी दैट हाउ दिस इज चेंज. दिस डायरेक्ट सेंटेंस इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस. दिस इज हियर सम रूल्स आई हैव डिस्प्लेड. ये कुछ रूल्स हैं कि जब हम बदलेंगे, सबसे पहले हम बदलते बारे क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे. ये सबसे बड़ी पहचान होगी. और दूसरा, कॉमा इज रिमूव्ड. ये वाला कॉमा भी यहाँ से निकल जाएगा और ये खाली अब दो चीज़ें निकल जाएगी. तो इसके जगह पे क्या आएगा, रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजक्शन दैट इफ व्हाट वेयर व्हेन विच हाउ हु. इन चीज़ों से फिर रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करेंगे इसकी जगह पे. ऐसा भी कहते हैं कि कॉमे उड़ाओ, दैट लगाओ. ये तो बिल्कुल सिंपल है, एसरेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होगा. लेकिन फिर बाकी में ये जो मैंने इंटरोगेटिव का कुछ आपको बताया है, ये जैसे ये है, व्हाट है, व्हाई है, इफ है, दैट है. एक जो आपको इसमें ध्यान देना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब इज नेवर चेंज्ड. जो रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का, इसको ठीक कर लेंगे यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये कभी चेंज नहीं होता. इसी को मैं समझा रहा हूँ कि इसी को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये वाला इतना, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ये रिपोर्टिंग वर्ब है और बिल्कुल आगे सिंपल है, ये सारे का सारा इतना जो है, दिस इज आर रिपोर्टेड स्पीच. अब आप कुछ हिंदी में अनुमान लगाएंगे तो लगेगा कि वाकई ये किसी की स्पीच है ये. नाउ इट इज वेरी क्लियर कि ये इसकी स्पीच ये है, रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट की जा रही, और ये रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब है. ये आप वर्ब देख ही रहे हैं ऊपर. इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे कि जब हम इसमें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो फिफ्थ रूल ये बनेगा इसमें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होता है, या वो प्रेजेंट टेंस में होता है या वो फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर. अगर इसमें होगा तो पीछे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट प्रोनाउंस. इसको छोड़ करके बाकी कोई चेंज नहीं होगा जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है. जैसे ये पास्ट में है,
लेकिन अगर पास्ट में है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा। पास्ट में है, पास्ट टेंस में यहाँ पे नो चेंज है, और यहाँ पे क्या होगा पास्ट में, जैसे ये पास्ट में है तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा। वो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखेंगे कि इसको इतना ही मान के चले कि वेनिता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास ये, रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास ये। हमने कहा कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट में है, प्रेजेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर ये पास्ट में है, यहाँ देख रहे हैं जैसे हम पास्ट में दिख रहा है, तो चेंज कैसे होगा? चेंज होगा इधर प्रेजेंट टेंस होगा, ओके, और उधर ये चेंज हो जाएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इसको, इधर हो जाएगा सिंपल पास्ट में, ओके, ये लीजिए। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, इसको देखें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में अगर है तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और मैं इसको ऐसे ले जाऊँगा नीचे, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ये ऐसे करके मैं इतना लिखने के बाद आपको दिखाऊंगा कि प्रेजेंट से तो सिंपल पास्ट में हो गया, जैसे ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये वाला, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का या सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में आ गया तो ये किस में चेंज होगा? ये होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ऐसे इसकी चेंज बनती है, जैसे यहां से यहां आ गए और यहां से जाके ये यहां चला गया, ठीक इसी प्रकार से यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चला गया यहां पर ऐसे, और यहां से आगे जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, इसको ऐसा कहेंगे। इस तरह इसकी चेन बनती है, जैसे हमने लिखा वनीता सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग दैट डे, शी वाज नॉट फीलिंग दैट डे, ये आ गया। अगर ये सेंटेंस आ गया शी वाज नॉट फीलिंग दैट डे वेल, तो क्या करना पड़ेगा? शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल, पास्ट परफेक्ट का। अगर ये चार तो हो गए यहाँ के, 1 2 3 4, ठीक, और ये 5 6 5 6, ओके 6, लेकिन अगर ये आ गया यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये नो चेंज होगा, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको देखना चाहिए होगा कि इसमें कोई चेंज होगा। और किस में चेंज होगा? 1-7 नंबर पे होता है जो हिस्टोरिकल ट्रुथ होते हैं, हिस्टोरिकल ट्रुथ। ये क्या होता है हिस्टोरिकल ट्रुथ? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526, देयर विल बी नो चेंज। हिस्टोरिकल ट्रुथ है ये। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ में भी नो चेंज, इसको भी ध्यान देंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, देयर विल बी नो चेंज बिकॉज दैट इज द ओनली वेयर द सन राइज इज द ईस्ट ऑलवेज। इन तरह की चीज़ों में नहीं होगा। ऐसे कुछ हैबिचुअल इवेंट होते हैं, हैबिचुअल इवेंट क्या होते हैं? हैबिचुअल इवेंट बोलते हैं जिस प्रकार से किसी को मॉर्निंग में टी पीने की आदत है, आई ऑलवेज टी टेक इन द मॉर्निंग, नो चेंज, दैट इज हैबिचुअल इवेंट, या हैबिचुअल हैबिट है वो, आपकी रेगुलर चलने वाली हैबिट है तो उसमें चेंज होगा। ये कुल मिलाकर के हमारे पास 4 7 8 9 इन जगहों पे कोई चेंज नहीं होगी, बाकी में चेंज होगी। और वो चेंज जब होगी उसके भी आगे कुछ रूल्स हमारे को फॉलो करने होंगे, जिसको हम अभी करेंगे। सी हियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इफ यू नो दीज 3 सेंटेंसेज दैट हाउ दे कैन बी चेंज, यू नो एवरीथिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन बिल्कुल आपको साफ हो जाएगी अगर आप इतना
सीख जाते हैं ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे इसको। मैं यहाँ लिखा है ही सेड आई एम लेट, इसको हम ऐसा करते हैं कि ही सेड, ये जनरली हमारा करने का ढंग होता है दैट, और यहाँ करते हैं दैट, इसको इसके साथ चेंज करते हैं तो ये बनता है ही वॉज लेट। हमने ये देख लिया कि ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट है, तो पीछे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगी, तो ही वॉज लेट, एक हमने ये किया। लेकिन कन्फ्यूजन ये होता, जैसे यहाँ पे आ गया, अब ही सेड की जगह क्या होगा, आई टोल्ड हिम, आगे लग गया दैट। अब ये जो यू है, ये इसका मतलब इसके लिए कहा तो क्या हो गया, ही, आगे ही वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज अ गुड बॉय। ये बड़े सिंपल तरीके से मैंने कर दिए, लेकिन अब इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्यों लगा। ऐसे यार राघव का कर रहा हूं मैं, राघव, इसको राघव कर दे, राघव, राघव, राघव सेट टू का जगह हो जाएगा टोल्ड, और टोल्ड मी पे हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये जो चेंजेस मैंने दो यहाँ किए, कि यहाँ पे की और एक मैंने यहाँ पे कर दी, वाई दिस चेंजेस हैव बीन डन लाइक दिस। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ देख रहे हैं सेकंड पर्सन है, यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ थर्ड पर्सन है। इसके लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ यहाँ बनाऊँगा आपके लिए, और ये बड़ा सिंपल होगा। जैसे मैंने एक यहाँ सब्जेक्ट लिखा, यहाँ ओ लिखा, एन लिखा, ये इंग्लिश ग्रामर करने वाले सामान्यतः से लिखते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। आप ज़रा इस पैटर्न को फॉलो करें, वन एस है, टू ओ है और थ्री एन है। यहाँ देखें ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके मुताबिक बदलेंगे। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है और तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, लेकिन अगर यहाँ सेकंड पर्सन है, जैसे यहाँ सेकंड पर्सन दिख रहा है, तो ये किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये, बिल्कुल सिंपल काम है। यहाँ सेकंड पर्सन आ गया तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, फर्स्ट है तो सब्जेक्ट पे जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन है, जैसे ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी, क्या लिखा हमने, थ्री का लिखा है, नो नो चेंज। इतना आप सीख लेंगे, इस ग्राफ को सीख लेंगे, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं होगा इसमें, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा मैंने, राघव टोल्ड मी दैट, आगे बस ऐसे ही आ जाएगा, शी का शी रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, शी की जगह यहाँ पे ये टेंस बदलेगा, हैड, शी हैड लर्नड ये हर लेसन, बस इतना हो गया, दिस इज योर राइट आंसर। अब ये तीन कंसेप्ट के आधार पर हमने सारी की सारी रिपोर्टेड स्पीच करनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ उसको, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ सेकंड पर्सन है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, इधर नहीं जाएंगे, वहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे कोई चेंज होगी नहीं, यानी ये का यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी नीड टू लर्न। अब हम टाइप करेंगे, आज सिर्फ करेंगे हम असर्टिव और एंड इंटरोगेटिव नरेशन। हियर वी विल सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट असर्टिव। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नरेशन, आई एम टेकिंग अप असर्टिव, दैट इज फर्स्ट पार्ट। Assertive means in which we have negative as well as positive sentences. There is one sentence we had already done. हमने कुछ कर भी दिए हैं, कुछ मैंने एक यहाँ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए भीम सेड टू मोहिनी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, भीम टोल्ड मोहिनी दैट, यहाँ पे आई आ गया तो इसका मतलब भीम पे चला जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ही आगे क्योंकि पास्ट है तो क्या हो जाएगा, ही हैड कम, ये वाला कम यहाँ पे ऊपर बीच में है, ही हैड टू ड्रिंक वाटर, बस हो गया आपका ये। तो ये असर्टिव के सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं विच आर कॉल्ड टिपिकल काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज द रूल्स इफ दे आर नॉट फॉलोड देन सेंटेंसेज आर डिफिकल्ट ऑलवेज। आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट दोज रूल की सेंटेंसेज विद मस्ट, एक नीड भी होता है, नीड नॉट, इसमें नीड नॉट भी आ सकता है,
ऐसे करके ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन हमने रूल यहाँ पे फॉलो करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पहला रूल क्या है मस्ट वाले के लिए कि ट्रू प्रेजेंट चेंज, अगर ये प्रेजेंट का यानी आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसे मैंने लिखा आई सेड टू माई फ्रेंड आई मस्ट लीव, आई मस्ट लीव ये प्रेजेंट ही लग रहा है, मुझे जरूर जाना है तो प्रेजेंट लग रहा है। प्रेजेंट में इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट में, पास्ट का भी परफेक्ट करेंगे तो इसका यहां हो जाएगा आई टोल्ड माई फ्रेंड, इतना करने के बाद आपने इसको दैट लगाया और यहां पे कर दिया क्योंकि आई टोल्ड माई फ्रेंड आई मस्ट लीव, ये आई है तो आई के मुताबिक बदलेगा, आई रह जाएगा आई हैड टू लीव, ये देखो आई हैड टू लीव, ये बन गया बस। अब आपको लग रहा है कि ये मस्ट का हेड कैसे होगा, क्योंकि ये रूल बताता है कि हमारे को पास्ट में बदलना होता है, पास्ट का मैंने यहाँ पे, अगर ये नीड नॉट होता आई नीड नॉट लीव तो ये डिड नॉट हो जाता आई डिड नॉट हैव टू लीव, ये डिड नॉट में हैव डिड नॉट, अगर नीड नॉट है तो डिड नॉट हो जाएगा, अगर ये ऐसे आ जाता है आई सेड टू माई फ्रेंड आई नीड नॉट टू लीव तो क्या हो जाता है आई डिड नॉट हैव टू लीव, बस इतना। तो एक ये करेंगे, दूसरा मैंने यहां लिखा है कंपल्शन, मस्ट का मतलब ऐसे कंपल्शन होता है, कंपल्शन और नेसेसिटी, जब हम मॉडल्स भी करते हैं इवन देन वी डू द सेम थिंग, कंपल्शन और नेसेसिटी जब होगा और वो भी जब फ्यूचर में होगा, जस्ट रिमेंबर दिस इज अ फ्यूचर, जब फ्यूचर में होगा तो ये चेंज किस में होगा, वुड हैव टू, ये इसका हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है कि इसमें ये चेंज होगा वुड हैव टू में। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ही सेड टू मी आई मस्ट गो टू चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक, अब फ्यूचर कहाँ पता चल रहा है आपको, फ्यूचर कहाँ है इसमें, ऊपर तो प्रेजेंट लग गया पता कि आई मस्ट लीव, मुझे जाना है, मुझे ज़रूर जाना है, मुझे जाना चाहिए, ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ कैसे रहेगा फ्यूचर का बताइए, यहाँ व्हील चेयर तो है नहीं है, है कहाँ पे है ये देखिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हुआ आने वाला वीक हो गया ना, तो आने वाले वीक करके हम इसको फ्यूचर मानते हैं, इस करके ये भी चेंज कैसे हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ये आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा ही सेड टू मी आई हैड, ये यहाँ भी इसमें चेंज हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा सर, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा तो क्या बन जाएगा इसका, इसके पीछे क्या बनाए हम ही सेड टू, ये देखिए ही सेड की जगह क्या हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी क्या दैट ही, ये ही आ जाएगा यहाँ पे, आगे आ जाएगा वुड हैव टू, आगे पीछे लीव टू चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक, दिस इज द सेंटेंस। ये तीन टाइप आप सीख लेंगे, एक होता है प्रोहिबिशन ये वाला, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलें, कंपल्शन प्रोहिबिशन ये मस्ट के दो बहुत बड़े रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। कैसे, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, जब किसी चीज़ की मनाई की जाए, यू मस्ट नॉट टच दिस पर्टिकुलर थिंग, यू मस्ट नॉट ड्राइव, यू मस्ट नॉट गो आउट, इसमें क्या है सख्ती से मनाई की जा रही है, यू आर प्रोहिबिटेड कि आप मत जाइए उन एरियाज में। तो यहाँ मैंने लिखा है शी सेड यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, ऐसी जगह पे क्या होता है देयर विल बी नो चेंज। अब क्लियर हो गया, पहले हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, जैसे हैड किया डिड नॉट आया तो, नीड नॉट आया तो डिड नॉट कर दिया, पास्ट में कर दिया वो भी, और जब हमारे पास नेसेसिटी और कंपल्शन आया तो हमने वुड हैव टू में चेंज किया, और जब हमारे पास प्रोबेशन है, प्रोबेशन कैसे पता चल रहा है मस्ट नॉट से पता चल रहा है, ये वाले से, ये जो नॉट लग रहा है इसका मतलब किसी चीज़ को प्रोहिबिट किया जा रहा है, मनाही की जा रही है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्या बनेगा शी सेड दैट, आगे यू है, यू बदलते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यहाँ पे आई कर देंगे, शी सेड दैट आई मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारे को यहाँ सपोज करना पड़ेगा, इतना चेंज हम असर्टिव में करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया आज हमने डील किया है, और इसके बाद इस वीडियो में हम अगला पार्ट कर रहे हैं इंटरोगेटिव का। दिस इज अनदर टाइप ऑफ नरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकल ऑल्सो, एंड इफ रूल्स आर फॉलोड देन इट इज वेरी वेरी इजी।
इट इज एज अदर नरेशन अदर पार्ट ऑफ द नरेशन टाइप ऑफ द नरेशन सो सेम वी आर डूइंग हियर इंटरोगेटिव नरेशन मीनिंग देयर बाय व्हेन देयर इज अ साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सो दैट इज हियर दैट यू कैन सी हियर व्हाट आर द रूल्स टू चेंज इट सी दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी इफ इट इज इंटरोगेटिव इट मीन्स अगर यदि कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब थोड़ा सा रूल अलग होगा और अगर डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होता है तो रूल अलग होगा डब्ल्यू एच से होने वाले में ये डब्ल्यू एच ही रह जाएगा यानी व्हाट है या वेयर है वाई है इसमें कोई चेंज नहीं होगा जैसे ये जगह पर है सामान्यतः इसमें हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे दैट इसमें यूज़ नहीं होगा दैट इज़ ए कंजक्शन इसकी जगह पर हम क्या करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें इफ का यूज़ करेंगे या वेदर का यूज़ करेंगे दोनों में से और अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच में कोई इफ नहीं लगेगा कोई दैट नहीं लगेगा डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच आ जाएगा जैसे इसको हम यहाँ सीधा ऐसे ही नीचे कर देंगे ये व्हाट का व्हाट रह जाएगा ऐसे डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब है जिसमें डब्ल्यू एच पहले लगता है व्हाट वाई वेयर व्हेन व्हिच हुम ये सब डब्ल्यू एच फैमिली के मेम्बर्स हैं यदि हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे जैसे इज एम आर शैल आई गो शैल आई डू दिस शैल आई टेक दिस हैज़ ही डन हैव ही डन हैव इस तरह से हैव आई डन ये सब कुछ सेंटेंसेज जो होंगे ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब से होंगे और ये हमने जैसे ये लिखा ये किससे हैं यस और नो वाले से हैं लेकिन ये भी हेल्पिंग वर्ब में माना जाता है इसको चेंज किया हमने ही सेड टू को इस जगह को हम बदलते हैं ये तीन चार चीज़ें होती है या तो इसको आस्क में बदलते हैं या हम इंक्वायर में बदलते हैं या हम इंक्वायर में बदलते हैं या डिमांड में बदलते हैं तो हम यहाँ पे इसको बदल रहे हैं ही आस्क्ड मी ये टू दोनों निकल गए अब ये डू है तो इसका इफ आ गया लेकिन इस इफ के बाद आपको कोई प्रोनाउन तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे नो है हमने कहा था जब सेकंड पर्सन होगा तो किस में बदलेगा ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा तो आई आ जाएगा ऐसे यहाँ पे ध्यान रखें कभी भी यहाँ पर इफ डू नहीं लगाना इफ वॉज इफ इज इफ कुछ नहीं ऐसे व्हाट के बाद डू नहीं आएगा व्हाट के बाद इज वाज एम आर कुछ नहीं आएगा यहाँ भी आपका प्रोनाउंस आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउंस तो मैंने क्या लिखा यहाँ ही आस्क्ड मी इफ आई ये नो है और ये पास में बदलेगा तो हमारे हिसाब से ये बन गया आई न्यू ये न्यू वाली होगी आई न्यू इंग्लिश ऐसे करके ये आपका सेंटेंस बन गया और पीछे रह जाएगा फुल स्टॉप ये तो हमने इफ वाला बदला ऐसे अब आ जाइए यहाँ पर ही सेड टू मी इसको इतने को चेंज कर लो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ही आस्क्ड हो गया ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू राइट क्या लिखते हो आप तो व्हाट आ गया और ये जैसे हमने कहा ये सेकंड पर्सन है ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ आ जाएंगे इसके लिए तो यहाँ आ गया आई व्हाट आई रोट ये रोट हो जाएगा ऐसे करके रोट अब रोट कैसे हुआ क्योंकि ये पास्ट में था इतना हमको ध्यान रखना कि व्हाट के बाद जब भी हम करेंगे डब्ल्यू एच के बाद व्हाट है वाई है इसके बाद कोई ना कोई हमारे को प्रोनाउन रखना होगा और उसके बाद फिर हम करेंगे वर्ब फिर करेंगे हम अदर वर्ड्स तो ये एक फॉर्मूला होता है इसको करने का यहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं यहीं पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर दे आर द सफरर बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दिस हियर सो दिस इज़ वेरी इजी टू डू मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे आपको पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ताकि और आगे आने वाले वीडियो को आप देख सकें और हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें आपके लिए थैंक यू